हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और जो लोग चैनल में पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर, बाकी अदर जोन्स के भी आप लोग डीवी बताइए कि कितना डीवी जाता है, पीटी के बाद कितना डीवी पे कट ऑफ इंक्रीज़ होता है। तो जोन वाइज कवर करूँगा, आज दो जोन को कवर करूँगा, इसके बाद वाली वीडियो में फिर दो जोन को कवर करूँगा, ऐसे करके सारे जोन हम कवर कर लेंगे। तो इस पे कितना पीटी पे कितना कट ऑफ्स रहा और कितना फिर डीवी के लिए रहा, तो इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले हम देख लेते हैं आरआरबी इलाहाबाद वालों का। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आरआरबी इलाहाबाद का 2018 का ग्रुप डी का कट ऑफ्स है। तो कैटेगरी वाइज में दिया गया है, तो ये पीटी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे इनके नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स हैं। तो जनरल के लिए गई थी 74 लास्ट, एससी के लिए गई थी 62, एसटी के लिए गई थी 50, ओबीसी के लिए गई थी 69। तो ये लास्ट कट ऑफ हैं जहाँ से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और एक्स सर्विस मैन के लिए आप देख सकते हैं 40, और अप्रेंटिस के लिए 41। बाकी अगर आप इस पर पूरा आप देखेंगे तो एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 33 और ओबीसी के लिए 30 और अप्रेंटिस वालों के लिए एससी के लिए 30 और एस टी के लिए 36 और ओबीसी के लिए 30। तो ये सब इसमें दिया गया है। तो देख लेते हैं कि डीवी में कितना कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है पीटी के बाद। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि डीवी पूरी डीवी के लिए दिया गया है कि कितना इसमें बड़ा है। तो कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जनरल के लिए इसमें गई है 77, ओबीसी के लिए 74 जो लास्ट बंदा लिया गया है, और एससी के लिए 67, एसटी के लिए 57 और अप्रेंटिस के लिए 30 और एक्स सर्विस मैन के लिए 30 गई है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उसमें एलडी के लिए 66 और वीआई के लिए 57 और एचआई के लिए 37 ये कट ऑफ्स गई हैं। तो अगर बाय चांस कोई अदर पैनल बनता है तो उसमें डीवी कम करी जा सकती है। ऐसा नहीं कि डीवी अगर कैंडिडेट उतने नहीं मिले तो डीवी तो कम करी जा सकती है, यानी जितना डीवी इंक्रीज़ हुई है पीटी के बाद उसको कम कर सकते हैं। तो लेकिन ये डीवी इतना इन्होंने रखा है डीवी के लिए पीटी के बाद, क्योंकि पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो उसके बाद डीवी में उससे कम जाते हैं, तो इन्होंने इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रखे हैं कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ बना के। तो देख लेते हैं इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो जनरल के लिए 3 इंक्रीज़ हुआ है, आप पिछली कट ऑफ देखेंगे पीटी तो जनरल के लिए 3+3 कट ऑफ बढ़ी है, 3 कट ऑफ बढ़ी है, और ओबीसी के लिए 5 बढ़ी है और एससी के लिए भी 5 बढ़ी है और एसटी के लिए 7+4 7 मार्क्स कट ऑफ में इंक्रीज़ हुए हैं। तो बाकी अगर आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें कि क्या क्या हुए हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए कितना है, अप्रेंटिस के लिए कितना है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो हो रही है वो बढ़ रही है। और पिछले हमने जो वीडियोस में देखा था उसमें भी कट ऑफ बढ़ रही थी, तो इस वीडियो इसमें इस जोन में भी कट ऑफ बढ़ी हुई है, जनरल के लिए +3 है और बाकी उसमें भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये लास्ट कट ऑफ है इसके लिए डीवी के लिए। तो अदर जोन्स के देख लेते हैं एक बार, हम चंडीगढ़ वालों के लिए देख लेते हैं क्या चंडीगढ़ वालों की क्या कट ऑफ्स रही है। तो ये है आरआरबी जो चंडीगढ़ के लिए है जो कट ऑफ निकली थी। तो जनरल के लिए इसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं 75 रहे हैं और ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 55, एक्स सर्विस मैन के लिए जनरल की रही है 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए रही है 30 पॉइंट समथिंग और एसटी के लिए रही है 36 और अप्रेंटिस वालों की जनरल के लिए रही है 40, तो ओबीसी के लिए रही है 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 32। तो ये सब जो कट ऑफ्स होती हैं ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करती हैं, कितने वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज उस पर भी डिपेंड करती है, तो कभी ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसलिए आप लोग ऐसा ना समझे कि कहीं कट ऑफ कम है, किसी कैटेगरी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो वो वैकेंसी वाइज कम हो रही हैं, तो अलग अलग जोन में अलग वैकेंसी निकलती है। तो इस हिसाब से तो देख लेते हैं इसके डीवी के लिए कितना इसमें पीटी के बाद इंक्रीज़ हुआ है और कितने तक डीवी के लिए कट ऑफ गई है। तो डीवी के लिए क्या कट ऑफ रही है देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये है कट ऑफ टू द एक्सटेंट 1.05 टाइम्स फॉर द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी। तो 1.05 टाइम्स बुलाए गए हैं डीवी के लिए। तो ये ग्रुप डी का रिजल्ट है उसमें चंडीगढ़ जोन वालों के लिए। तो देख सकते हैं
इसमें जो बाकी अदर जो हैं अदर देन PWBD अप्रेंटिस एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट, तो उनके लिए गई है लास्ट, देख सकते हैं 79 गई है कट ऑफ्स। OBC के लिए गई है 73, SC के लिए गई है 68 और ST के लिए गई है 61। तो PWBD कैंडिडेट्स के लिए गई है 64 कट ऑफ्स लास्ट, और LD के लिए गई है 62 और HI के लिए गई है 28 और MD के लिए गई है 38, और बाकी जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए लास्ट कट ऑफ गई है 30 और एक्स सर्विसमैन के लिए लास्ट कट ऑफ गई है 30 पॉइंट समथिंग। तो ये जो कट ऑफ्स हैं ये DV के लिए हैं कि DV के लिए 1.05 टाइम्स बुलाए गए थे। तो देख सकते हैं आप कितना कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है एनालाइज करके। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है वो 4 इंक्रीज़ हुआ है, 4 मार्क्स बढ़े हैं, और OBC के लिए 5 मार्क्स बढ़े हुए हैं, और SC के लिए 4 मार्क्स बढ़े हैं, और ST के लिए 6 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं DV के लिए जो है वो PT के बाद मार्क्स इंक्रीज़ हुए ही हुए हैं। तो आपने डाटा फिगर देख लिया है तो कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप लोग तैयारी में इसी हिसाब से कट ऑफ अपनी डिसाइड करें। तो बच्चे बोलते हैं सर इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं DV के लिए कट ऑफ बढ़ी है, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें। कट ऑफ मार्क्स से जो अपने कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा ही प्रिपरेशन लाने की सोचें। तो ये मैंने आप लोग को दिखा दिया दो जोनों का, चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे वालों का भी दिखा दिया और इलाहाबाद वालों के लिए भी दिखा दिया आप लोग को। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना DV के लिए इंक्रीजमेंट होता है। तो अदर अदर जोन्स में जैसे हमने कल वीडियोस देखा उसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, और इसमें जनरल के लिए कम है और SC OBC के लिए ज़्यादा है, और ST के लिए तो +7 इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इस हिसाब से आप वैकेंसी के हिसाब से देख सकते हैं कि ये सब वैकेंसी के हिसाब से इंक्रीजमेंट हो रहा है DV में, तो किसी में जनरल में कम है किसी में ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी किसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पे, और शेयर करते हुए चलेंगे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।